17वीं लोकसभा का पहला वर्ष महिला सांसदों की भागीदारी के लिहाज से भी ऐतिहासिक रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक 78 महिलाएं चुनकर आई। वर्ष 1952 की पहली लोकसभा से लेकर ये अब तक का रिकॉर्ड है। प्रतिशत की दृष्टि से 14% महिला सांसद सदन की गरिमा बढ़ा रही हैं। 17वीं लोकसभा में 46 महिला सांसद पहली बार चुनी गई हैं, जिनमें से ओडिशा से अधिकतम महिला सांसद हैं। खास बात यह है कि संसद में जितनी भी महिलाएं चुनकर आई वो देश के अलग अलग हिस्से से हैं। उनकी संस्कृति से लेकर भाषा तक 17वीं लोकसभा की पहचान बनी है। महिला सांसदों को बढ़कर भागीदारी निभाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देने में सबसे बड़ी भूमिका माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने निभाई है। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला ने अधिक से अधिक महिला सांसदों को सदन में बोलने का मौका दिया है। श्रीमती क्वीन ओझा माननीय सदस्य पहली बार संसद बनी है और इसी बार कम से कम 5 बार माननीय सदस्य को मौका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। प्रथम वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने विशेषकर ऐसी सांसदों को प्रोत्साहित किया जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बात सदन में रखने की इच्छुक रहीं। ऐसा ही एक नाम है प्रमिला बिसोई का। प्रमिला बिसोई बीजित की सांसद हैं। सदन में पहली बार उनके बोलने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने उनके आंगनबाड़ी कुक से लेकर सांसद बनने तक की यात्रा पूरे सदन को बताई। माननीय सदस्य प्रमिला बिसोई वह माननीय सदस्य है जो एक ही गाँव में 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में सभी सदस्यों को सिखाने का काम। आज लोकसभा रे महिला सशक्तिकरण अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उत्थापन करुछी। संभवतः यही वो मौका था जब अधिक से अधिक महिला सांसद सदन में अपनी बात को रखने के लिए प्रोत्साहित हुई। इस प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ। वर्ष 2019-20 के लोकसभा के कार्यकाल के दौरान शून्यकाल में सर्वाधिक 42 महिला सांसदों को सदन में बोलने का मौका मिला, जिसमें सबसे अधिक नई सांसद थी। माननीय अध्यक्ष के काम करने का तरीका नायाब है। उन्होंने संसद की कार्यवाहियों में महिला सदस्यों की ज्यादा भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी रही तो महिलाओं से जुड़े कई बिल भी पास हुए। बड़ी संख्या में महिला सांसदों ने 3 तलाक और सरोगेसी जैसे विधेयकों पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। इन विधेयकों के अलावा भी 17वीं लोकसभा में महिला सांसद कई मुद्दों पर मुखर रही। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प, जिस पर महिला सांसदों ने देश को अपने विचारों से अवगत कराया। अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल के भाषण की सराहना पूरे सदन ने की। कुपोषण के मुद्दे पर चर्चा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्रालय के कदमों की जानकारी दी तो अन्य महिला सांसदों ने भी खुलकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही देश में महिलाओं को विशेष पहचान दिलाने वालों में से एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के माध्यम से अपनी जीवटता का परिचय पूरे देश को कराया। I rise to present the budget for the year 2020-2021। सिर्फ सदन में भागीदारी तक नहीं बल्कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में भी महिला सांसद अहम भूमिका अदा कर रही हैं। महिलाओं के विषय समाज के विषय हैं, पुरुषों के नहीं है ना महिलाओं के। 17वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल में हैं। यह आशा कर सकते हैं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सतत प्रयासों से महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से 17वीं लोकसभा एक मिसाल कायम करेगी।